गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? मस्त मस्त, बढ़िया। परिश्रम की तरह बिंदास। आप वेट कर रहे थे? आपका वेट कर रहे थे या कैसा माहौल चल रहा है आपका आजकल बिग बॉस के निकलने के बाद? बहुत अच्छा चल रहा है, बढ़िया। प्रोजेक्ट है मनीषा जो बहुत जल्द हमें आप देखने को मिले स्क्रीन पे? हाँ है, बट अभी रिवील नहीं कर सकते, मना किया गया, बट जो भी होगा सोशल मीडिया में आप लोगों को पता चल जाएगा। मनीषा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो बिग बॉस में सब चीज़ें हुई अभिषेक के साथ, जो कि पार्शियलिटी हुई मेरे ख्याल से लगता है और जनता के हिसाब से, आपको क्या लगता है अभिषेक के साथ पार्शियलिटी हुई? क्योंकि पूजा भट्ट से उनका जो मतभेद था और जो इनकी जो सोच विचारों में जो मतभेद था, और पूजा ने भी बहुत कुछ कहा, अभिषेक ने भी बहुत कहा, उसका हर जाना तो कहीं अभिषेक को भूलना नहीं पड़ा इसके लिए? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। एल्विस जीता तो एल्विस को लोग बाहर बहुत पसंद कर रहे थे, नो डाउट। अभिषेक बहुत अच्छा खेला और वो ऑलरेडी विनर है क्योंकि उन्होंने बहुत लोगों का दिल जीता, बट एल्विस भी बहुत अच्छा था, तो अगर वो जीता है तो इसमें आई डोंट थिंक कि बिग बॉस ने कुछ ऐसा किया। बाहर उसका फैन फॉलोइंग इतना तगड़ा है कि फिर वो जीत गया, तो इसमें गलत क्या है? नहीं, पूजा का जो पूजा नहीं, पूजा का मेरे को थैंक यू सो मच। आइए पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे पीछे। हाँ, मुझे बहुत अच्छा, जो आगे चले, हम हमेशा कहते हैं थोड़ा रुक जाओ ना, आपको पता है 2 बजे ना सच में एक अपॉइंटमेंट है, बहुत जरूरी। तो आप रुको तो पहले कहीं, तभी तो रुक जाओ ना मनीषा जी, चले भाई स्पेस में। अरे ऐसा आई लव यू हम नहीं लेते, रुक के तो। अरे रुको ना मनीषा, रुक के आई लव यू तो। ये आप खड़ा करके और करके चलो। हाँ चलो, एक फोटो हो जाएगा, बस एक दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, एक फोटो अच्छे से यहाँ पे आते। कोई क्वेश्चन नहीं मनीषा जी, यहाँ देखिए, यहाँ पे यहाँ पे मनीषा जी, यहाँ पे मनीषा जी, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे सामने। हाँ यहाँ सामने इनके कैमरे में, हाँ मैम यहाँ पे, यहाँ पे देखिए मेरे में, यहाँ पे मनीषा जी, मनीषा जी यहाँ पे, यहाँ पे रुकिए ना मनीषा जी, मनीषा रुकिए ना, बहुत दिन बाद मिले, बहुत दिन बाद। अरे जिस तरह अभिषेक बिग बॉस के बाहर आने के बाद उसने अपना रिव्यू किया कि मेरे साथ कितना गलत हुआ था, कि मेरे सीन कट कर दिए गए थे अपने ब्लॉग में, उसने बताया मनीषा, मैंने वो ब्लॉग नहीं देखा कसम से, बट आपका कोई ऐसा, यस आपको कोई, आपका कोई ऐसा प्लान है जो आपका भी कोई सीन बिग बॉस में कट कर दिया गया जो नहीं? आप बिलीव नहीं करोगे, हम जब से निकले हम एक एपिसोड नहीं देखे, क्योंकि अभी इतना कुछ आ रहा है ना कि एपिसोड देखने का, हाँ रील्स जो आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, इतने सारे रील्स आ रहे हैं, तो मुझे वही देख के खुशी हो रहा है। मुझे अल्टीमेटली लग रहा है कि मुझे ऑडियंस से बहुत ज़्यादा प्यार मिला, बिग बॉस ने क्या किया, कौन सा सीन काटा नहीं काटा, बट लोग मुझे इतना पसंद कर रहे हैं, तो पसंद कर रहे हैं ना, तो अल्टीमेटली वही चाहिए था कि लोग मुझे पसंद करें, और जो पसंद कर रहे हैं, तो फिर अब बिग बॉस क्या दिखाएं नहीं दिखाएं, बिग बॉस की वजह से आज जो भी है, कहीं ना कहीं बिग बॉस की वजह से, तो हम बिग बॉस के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, क्योंकि 24 घंटा लाइव था और ऑडियंस मुझे 24 घंटे लाइव देख के समझ गए कि मनीषा रानी कैसी है, तो और मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, तो मुझे बहुत बहुत खुशी हुआ। और हम अपने ऑडियंस, अपने फैंस को हमेशा कहेंगे कि जिसका कोई नहीं होता है उसका जनता होता है, और मेरा कोई नहीं था, आप लोग ने मुझे बनाया, तो थैंक यू टू ऑल माई फैंस, और हम हमेशा बिग बॉस को भी थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके वजह से मुझे इतना नाम और प्यार मिला, तो मुझे बिग बॉस ऐसे कुछ शिकायत नहीं, आप लोग का इतना प्यार मिल रहा, तो ये मेरे लिए ना, आई एम हैप्पी।